नमस्कार दोस्तों, टेक्निक एक्सप्रेस के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत से यूजर्स ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं गूगल मैप्स को कम से कम एक दो बार यूज़ किया होगा। और ऐसे में जो है गूगल मैप्स में आप जब भी गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, आप नेविगेशन यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए, तो आपको वहाँ पर लाइव ट्रैफिक का एक जो है बताता है कि लाइव ट्रैफिक कितना है वहाँ पर। आप यहाँ पर जाएंगे तो इतना ट्रैफिक गिरेगा, तो आपको जो है ये शॉर्टेस्ट रूट पड़ेगा, यहाँ से जाओगे तो आपको जो है इतना मिनट्स का फासला जो है कम हो जाएगा। तो ऐसे में जो है लाइव ट्रैफिक जो है हमें लगता है कि सैटेलाइट्स हमें 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है, और ऐसे में जो है हमें जो है लाइव जो है लाइव ट्रैफिक सोर्स के बारे में हमें मालूम पड़ रहा है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्चुअली जो है हमें जो लाइव ट्रैफिक सोर्स मिलता है वो किस तरह से मिलता है और कहाँ से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब भी गूगल के मैप्स को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो कभी कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये लिखा होता है कि गूगल आपके लोकेशन को ट्रैक करेगा और आपके लोकेशन से डेटा कलेक्ट करेगा, तो आप उसे मोस्टली जो है एग्री करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये एक बहुत सारे तरीके हैं जिसमें इसे एक भी एक तरीका है। एक तरीका ऐसा है कि मोबाइल के ऑपरेटर जो है उनके जो टावर लगे होते हैं तो उनसे जो है एक डेटा कलेक्ट करता है गूगल अपने मैप के लिए जो है डेटा देने के लिए, कि वहाँ पर उसके समझिए एक आइडिया का एक टावर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आइडिया के कितने यूजर्स हैं, वो कितने देर तक कनेक्ट है, और एक शेल से दूसरे शेल में कितने तेजी से क्रॉस कर रहे हैं, और वो जो है कितने नंबर यूजर जो है वो सेम जगह पर है और दूसरे जगह पर जा रहे हैं, ये सारे जो नापता है और उसके मुताबिक जो आपको डेटा देता है कि वहाँ पे कितना ट्रैफिक है और कितना ट्रैफिक नहीं है। और दूसरा जो होता है कि वो हाईवेज वगैरह में सेंसर लगे होते हैं, जिस सेंसर से जो है गाड़ी वगैरह कितने तेजी से पास हो रहा है, वो सारी चीज़ जैसे वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है और आपको देता है। लेकिन जहाँ पर रूरल एरिया है, जहाँ पे छोटे छोटे एरिया है, जहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क के टावर्स वगैरह बहुत सारे कम है, तो वहाँ पर जो है आपके अपने मोबाइल से जो है गूगल डेटा कलेक्ट करता है और वो मॉनिटर करता है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया से कितना तेजी से पास कर रहे हो। उसमें जो है क्या होता है कि आप सोचते हो कि मेरे अकेले से ट्रैवल होने पर जो है गूगल जो है मॉनिटर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सराउंडिंग में बहुत हजारों लोगों के जो डेटा लेता है और वहाँ पर वो हजारों लोग में से कितने लोग कितने तेजी से उस एरिया से क्रॉस किए हुए हैं, कितने देर से वहाँ पे रुके हैं, तो ये सारे जो है एक डेटा लेता है और उससे एक प्रिडिक्ट करता है कि वहाँ पर ट्रैफिक है या नहीं है, तो कितना बड़ा ट्रैफिक है और कितने देर लगेगी क्लियर होने में। अगर और शॉर्टेस्ट रूट जो है आपको बताता है कि यहाँ पर जाने के बाद इतना ट्रैफिक है और यहाँ पर जाने के बाद इतना ट्रैफिक है, सारे ट्रैफिक जो आपको बताता है। और हम जो है हमें ये इसी वजह से जो है हमें जो है लाइव ट्रैफिक के बारे में सारे डिटेल मिल पाती है। और ये जो सैटेलाइट से जो है हम डायरेक्ट लाइव जो गूगल अर्थ में जो फोटोज देखते हैं, ये क्या है कि ये हमें जो सैटेलाइट के थ्रू कोई डेटा नहीं मिलता, वो भी डेटा मिलता है जो थोड़ा पुराना होता है। और हमें FBI वगैरह तो है नहीं, हम जो है गवर्नमेंट के एजेंट्स तो नहीं है जो सीक्रेट एजेंट्स, इनके जो डायरेक्टली जो है हमें लाइव मॉनिटर कर पाए। हमें जो भी डेटा मिलता है वो करीब करीब 2 हफ्ता पुराना होता है। हम जो गूगल अर्थ से लेके अर्थ में से हमारा जो मैप देखते हैं वो 2 हफ्ता पुराना होता है, और यहाँ पर लाइव तो नहीं होता, एक फोटो होता है जो 2 हफ्ता पुराना और 3 साल तक होता है। 3 साल के बाद वो फोटो जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, और लाइव तो हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते क्योंकि सैटेलाइट हमारा दुनिया बहुत बड़ा है, वो दुनिया कंटिन्यू जो है रोटेट होता है और सैटेलाइट में रोटेट हो रहा है दुनिया को, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ लाइव नहीं होता है। जो पहले से रिकॉर्ड किया होता है उसके इमेजेस हमें देखने मिलता है, और ये ट्रैफिक वगैरह जो भी सोर्स है ये जो है हमारे यूजर जो मोबाइल यूजर से सेंसर से मोबाइल के टेलीकॉम ऑपरेटर से इनसे लिए वो डेटा जो है उससे प्रेडिक्ट करके जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपके आगे कितना ट्रैफिक है, आप जो रास्ते में जा रहे हो वहाँ पर ट्रैफिक है, आपको कौन से रास्ते में जाना चाहिए, कितने आसानी गिरेगी। और ये जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि आजकल जो रूरल एरिया में छोटे छोटे गाँव वगैरह में जहाँ पर नेटवर्क की इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं है, जितनी जहाँ पर मोबाइल यूजर स्मार्टफोन यूजर ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर जो है ऐसे एक लाइव ट्रैफिक सोर्स देखने नहीं मिलता है, कभी कभी वो ठीक देखने मिलता है, कभी कभी नहीं देखने मिलता है। तो ऐसे में आने वाले समय में जैसे मोबाइल यूजर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सारे लाइव ट्रैफिक सोर्स वगैरह देखने में हमें जो है आसानी होगी और ज़्यादा एक्यूरेट होगा,
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि आपके गूगल मैप्स में लाइव ट्रैफिक सोर्स वगैरह किस तरह से आपको मिलता है। आपको वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को नया है तो साथ में बाजू में एक बेल लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक कर कर, और साथ ही साथ बाजू में एक बेल का आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलता हूँ एक नए एपिसोड में।